please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आगाज हो चुका है, बातें अब शोर में तब्दील हो गई हैं। हाँ पाजी, वैसे तंबाकू पीना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या बात है, क्या बात है। तो पोरबंदर है ये? पोरबंदर है। पोरबंदर नहीं, मांगरोल। मांगरोल हाँ, पोरबंदर आ गए पाजी, क्या बात है। ये आपका पाइप है? पाइप पाइप पाजी, ये पाइप यहाँ धतूरी हो जाता है, धतूरी। हाँ क्या बात। पोरबंदर में? पोरबंदर में तो भाजपा ही आएगा, हमने तो कुछ खबर नहीं। कांग्रेस 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 आया, कांग्रेस कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा। अपन एनसीपी भाजपा आएगी, भाजपा भाजपा आएगी, भाजपा भाजपा। सर भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया, भाजपा प्रदेश के हाथ से। पाजी कुदरत के हाथ में, किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। अभी हमारी ये यात्रा है ना, बहुत धार्मिक यात्रा है। हमें रोज सत्संग मंडल करिए, धुन मंडल करिए हैं, 11 वर्ष से ऐसे ऐसे पद यात्रा जाते हैं। इस साल हम वो काड़िया ठाकुर को ध्वजा चढ़ाएंगे चल कर। पोरबंदर में प्रचार भी सुरीला हो जाता है। अप्पा जी आ जाओ आहिस्ते आहिस्ते आ जाओ। और कांदल भाई जडेजा मौजूद हैं, अभी मैं आपका सुन रहा था। कांदल भाई लोग कह रहे थे कि कांदल भाई दे राजमा लीला ले रहे, यानी कांदल भाई का राज है, जो कह देते हैं वही चलता है, ऐसा ही होता है? नहीं, जो बोल देते हैं वो होता नहीं, मतलब जो काम करना होता है मैं काम करके देता हूँ। लोगों ने कहा कि आपको, आप जो कह देते हैं सड़क बननी है तो सड़क बन जाएगी, बिजली आनी है तो आ जाएगी, ये सब तय है, कोई मैं इनकार नहीं कर सकता। अधिकारी अहंकार कहाँ से करेगा? नहीं इनकार, इनकार नहीं, इनकार क्यों करेगा भाई, जो हमारा हक क्यों मांग रहे हैं ना। ये मेरा जो पूरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया है उस पर सब जो किसान लोग हैं, पूरा एरिया जो मेरा विस्तार बोलते ना उसको, तो उस इधर विस्तार में चाहिए क्या सबको, लाइट पानी और रास्ते, वो मैं करवा के देता हूँ। और वो लोग कहते हैं कि आपके इनकार का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल पे पड़ जाना, आपसे इनकार नहीं कर सकता कोई, आपका आपका सिक्का चलता है। सिक्का चलना की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग जो मेरी इज्जत करते हैं उसके हिसाब से होता है। लोग कहते हैं कि पार्टी भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ही का नाम ही काफ़ी है, आप ही लड़ते हैं चुनाव में, पार्टी बहुत पीछे। मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे क्या पार्टी जैसा कुछ है नहीं, ना कांग्रेस जैसा, ना भाजपा जैसा, ना एनसीपी। एनसीपी है ना हमारी, जिंदाबाद है, क्यों नहीं है? नहीं तो अभी तो बोल रहा हूँ, अभी इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, ये चुनाव का जो माहौल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ऐसा कुछ पार्टी जैसा नहीं है इसमें। आप जो कहते हैं कि भाई आपने तो बीजेपी को वोट दिया था राज्यसभा में, जब अभी हुआ अहमद साहब पटेल साहब का हुआ था तो आपने बीजेपी को दे दिया दिया था ना, जो इच्छा या जो पार्टी का आदेश या जो आप कहते हैं। इच्छा इच्छा मेरी इच्छा नहीं चलती उसमें, पार्टी का हाईकमांड का जो आदेश था वो मैंने पालन किया। और लोग कहते हैं कि नहीं आपका जो आदेश है वो कोई इनकार नहीं करता, ये सच है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आदेश मतलब जो लीगली होता है वही आदेश होता है मेरा, ऐसा कोई गलत काम करने का आदेश नहीं होता है। आपका आपकी माँ का बड़ा रुतबा था संतोष बेन का? मेरी माँ का था, मेरे फादर का था, मेरे अंकल का था। लोग डरते भी थे? डरते थे? ये क्या दिखा आपको, दिखता है डर क्या है, सब लोग ये डरते हैं सब ऐसा, मतलब लोग कहते थे कि उनसे उनकी दहशत थी इनकी। देखो दहशत जो हमारी जो चल रही थी वो अलग दुश्मनी थी, आम जो आम आदमी को या आम लोगों को भी किसी को परेशान नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है ये दहशत से है सब लोग? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सवाल। हाँ। पूछ रहा हूँ कि लोगों ने उनके बारे में तो फिल्म बना दी थी लोगों ने? दोनों फिल्म नहीं थी ना, बनती थी गॉड मदर। हाँ अभी दूसरी फिल्म भी बन रही है शेर, वो मेरे फादर के ऊपर से आ रही है। तो इतनी नामी गिरामी है आपकी, आपकी एक एक हिस्ट्री रही है पीछे, उस पर गर्व है आपको? गर्व तो रहेगा ना, क्यों नहीं। बाय 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 बाय। लोग मैं लोग जब पोरबंदर आते हैं तो गांधी का नाम सुनते हैं और फिर आपका नाम लिख करते हैं, कोई रेलेवेंस होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आते हैं, गांधी जी जो है हमारे राष्ट्रपिता थे उनका नाम पहले लेते हैं, बाद में जो होता है पूर्व बाद में होता है।
उसके बाद आपका नाम गांधी और आप गांधी और नहीं गांधी और पोरबंदर गांधी और पोरबंदर पोरबंदर में आप नाम लेते हैं आपका हाँ लेते हैं क्यों नहीं लेते खुशी की बात है नाम बनाया इज्जत कमाई तो नाम तो लेंगे ना इज्जत कमाई नाम कमाया शोहरत कमाई 100% आपको क्या दिख रहा है ये शोहरत दिख रही है ये देखिए हाँ ये लोग कुछ पैसे लेने के लिए नहीं आ रहे कुछ प्यार देने के लिए आए हैं मेरे पास अभी कुछ लेने के लिए कुछ मांगने के लिए जिसका जो काम है वो काम में निपटा दूंगा ये मेरा ऑर्डर है मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ ये ऑर्डर हो जाता है मैं बोलता हूँ करके दिखाता हूँ आपके गाने में चल रहा था ना कि कांदल भाई रे राज तो राज शब्द पे लगा के भाई कांदल भाई का राज है जो जो बोल देते हैं वही राज हो जाता है नहीं बोल जाते तो राज हो जाता ऐसा नहीं है जो आम आदमी की परेशानी है इसकी जो समस्या है उनका मैं निकाल करता हूँ इसलिए सब लोग बोलते हैं समझे थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा बात से करके आपको शुक्रिया पाजी आगे का रुख करते हैं के प्रतिद्वंदी भी मिल गए पाजी उनके प्रतिद्वंदी से भी बात करेंगे लक्ष्मण भाई वडोदरा हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण भाई चुनाव कैसे लड़ेंगे आपके सुना तो प्रतिद्वंदी बहुत बाहुबली हैं बहुत ताकती हैं चुनाव जीतते रहते हैं तो कैसे लड़ेंगे उनसे खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी पूरा विस्तार के सब लोग हमारे साथ ही है पूरा विस्तार के हर मतदार उसका आशीर्वाद मेरे को मिलने वाला है लेकिन सवाल ये है कि वो तो उनका तो कहते हैं कि उनका राज है और जब उनका राज है उनका हम सुन रहे थे तो फिर कैसे उनका अधिकारी भी मानते हैं उन्होंने कहा कि साहब वो बहुत अच्छे हैं तो फिर कैसे कोई स्ट्रेटेजी बनाई है बाहुबली के खिलाफ लड़ना चुनाव क्या आसान होता है हमारे लिए तो एकदम आसान है राज प्रजा का है कोई बाहुबली का राज नहीं है क्या बात है भाजी क्या बात है क्या बात है तो फिर लड़ाई जोरदार है पूरा विस्तार हमारे साथ है उसमें कोई लड़ाई जैसे नहीं है पूरा पूरा विस्तार मेरे लिए लड़ रहे हैं लोग कहते हैं कि पिछला चुनाव जब हो रहा था तो उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे वह उनके दूसरी पार्टियों के लिए तो इस बार आप क्या कैसे सोच रहे हैं पहले तो पिछली बार तो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ा उसका पोलिंग एजेंट भी नहीं था पहुँचा पिछली बार की बात मैं नहीं करूँगा मैं इस बात की बात करूँगा इस बार क्या होगा मैं मेरे जीत कन्फर्म पक्का है पक्का सब लोग मेरे साथ है पूरा विस्तार पूरा विस्तार चुनाव कैसे होने वाला इस बार चुनाव अच्छा होने वाला इस बार अच्छा होने वाला गांव के आदमी खड़े क्या साहब बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया शांति से चुनाव होगा शांति से चुनाव होगा मौसम तो बदल रहा है उखी आ गया मौसम तो इतना कुदरती से कुदरती है ये मौसम कुदरती है हाँ जी मौसम कुदरती है जी बाबूजी क्या होना है अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा कर रहा है बीजेपी बीजेपी का स्वागत कर रहा है कौन मौसम जी बाबूजी नमस्ते मौसम बदल गया बदल गया 150 में आएगी भाजपा 150 में आएगी भाजपा भाजपा आएगी 150 में गुजरात में भाजपा भी आएगा पूरा गुजरात में भाजपा भी आएगा तो कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई है या कोई खास चीज सोची है कैसे उनके लिए बस हमारे विकास की बात हमारी सरकार की बात हम प्रजा के बीच में रहने वाला आदमी है यही हमारी स्ट्रेटजी है हम लोगों के साथ रहने वाला है वो कहते साहब एनसीपी के से मतलब एक ही दो सीटें आती हैं लेकिन वो आती जरूर है एनसीपी की कहाँ आई पहली बार कुतियाना में एक बार भी आई उससे पहले नहीं आई कभी 15 साल से बीजेपी का शासन था कुतियाना में लोग कहते कि उनका इतना बड़ा कद है कि पार्टी उनके आगे कोई महत्व नहीं रखती वो बहुत बड़े हैं पार्टी से और पार्टी जहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लोग जहाँ रहता है वहाँ से लाइन चालू होती है बाहुबली जहाँ रहता है वहाँ से लाइन चालू नहीं होती है क्या बात है बाजी वाह साहब ये बराबर है हां बाजी हां बाजी बराबर है बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे गुजरात में भाजपा आएगी नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ मूंछों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नहीं नहीं उसमें कोई मेहनत नहीं है कोई मेहनत नहीं है हमने हो जाती है आपकी तो सफेद होगी आप गुजरात आएगा पूरे गुजरात में भाजपा आएगी और पूरा साथ लेकर आएगी रोड शो लेकर आएगी सीट जय भीम का आदमी हो जय भीम का आदमी है जय भीम का जय अम्बेडकर जय अम्बेडकर हूँ क्या बात है मुझे लगाइए पाजी क्या बात है कलर है ये कलर है
ये कलर है तो है व्हाइट है व्हाइट व्हाइट है व्हाइट पाजी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपने कलर कर दिया पाजी, कलर है कलर। आ जाओ मौसम बदल गया, ठंडी आ गई गुजरात में, बरसात ओखी 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 इफेक्ट है पाजी, आ जाओ। पाजी जबान कतन्नी सी चल रही है आज का, आहा पाजी पोरबंदर का ये बंदर है, आहा मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है बाजी, मछुआरों की बस्ती में सूचना दे दी गई है 2 नंबर का तूफान आने वाला है पाजी, वो काली तख्ती दिखाई पड़ रही है ना, वो सूचना है मछुआरों की बस्ती में कि 2 नंबर का तूफान आने वाला है। 2 नंबर ना तूफान आने वाला, इसीलिए वो सिंगल चला हुआ है, वो बारो पवन ज्यादा होगा, ओखी 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 वाला इसलिए पोरबंदर में अलर्ट हो गया, अलर्ट हो गया पाजी, चुनाव का भी अलर्ट हो चुका है, बस आने वाला है चुनाव 9 तारीख को, लेकिन और ही पाजी मछुआरों के चेहरे उदास हो जाते हैं। पोरबंदर समुद्र की मौसम और तुम्हारी स्पीड पाजी, क्या बात है, बड़ी तेज है, और बातचीत के सिलसिले को मौसम बदल गया साहब, मौसम बहुत खराब हो गई, खराब हो गया मौसम, मौसम खराब हो गया, खराब हो गया, सारी बोट इधर आ गई, सारी समुद्र से सब इधर, बाहर भी है, बाहर भी है, इससे ज्यादा बाहर है, इससे ज्यादा बाहर है, समुद्र में, समुद्र में सामने दिखता है इधर से, हाँ दिखता है दिखता है दिखता है, सब दिखता है बाजी, सब दिखता है, क्या होगा यही नहीं दिखता बाजी, सब दिखता है, बाकी जगह नहीं है, अंदर आने के जगह नहीं है, जगह नहीं इसलिए बाहर ही है, बंदर बड़ा करना चाहिए, बंदर बंदर बड़ा होना चाहिए पाजी, बंदर बड़ा होना चाहिए, पोर बंदर का बंदर बड़ा होना चाहिए पाजी, क्या होना चाहिए, बंदर नाना हो गया, बंदर बड़ा होगा तो बोट अंदर जाइए आएगा, तो बोट हचवाएगा, तूफान आएगा तो बोट खाड़े पड़े हुए तो पसी यहाँ नुकसान खाएगा, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, इसने जो भी बोला कि संख्या बड़ा हो गया है, पोरबंदर छोट का बंदर छोटा हो गया है, तो बोट सारा उधर है, समझ में आ जाता है मुझे, फिशरमैन परेशान है, फिशरमैन परेशान है, नुकसान बहुत आता है बोट में, बोट में ज्यादा परेशान होता है, नुकसान ज्यादा है, बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत और रेजिंग नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं हुआ, सफाई नहीं हुआ, उसमें भर गया बाजी, ये मछुआरों की समस्या है, मछुआरों की बस्ती है, तो क्या होगा इस बार, ये तो कुदरत का आफत है ना भाई, इसमें ये तो कुदरत का आफत है उसमें, और जो उधर निशान लगा के वोट देने का, हाँ वो तो सोचेगा ना, हम सब सोचेंगे, सब सोचेंगे, सब मिल के एक साथ देगा, सब समझ मिल के देगा, सब मिल के देगा, सब सब मिल के देगा, एक साथ जाएगा देने, सब लाइन में, सब लाइन में तो जाएगा, लाइन में तो लगाएगा, लाइन तो लगाना ही पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा, क्या लगता है इस बार बीजेपी कांग्रेस क्या होता है, मालूम नहीं कौन आएगा कौन नहीं, वोट तो डालने जाएगा कि नहीं जाएगा, तो डालने जाएगा फिर कौन आएगा, इसमें देगा अच्छा आदमी होगा, इसमें देगा अच्छा आदमी होगा, अच्छा आदमी तो होगा, कहाँ से ढूंढ के लाएगा, अच्छा खैर चलो हमसे क्या मतलब, बताओ क्या होगा इस बार, इस बार चुनाव में चल रहा है बीजेपी कांग्रेस, क्या होगा दोनों के लिए अच्छा है, होगा क्या, किसको ज्यादा लग रहा है, कौन जीतने वाला लगता है, दोनों का अच्छा लग रहा है चुनाव में, दोनों का दोनों का प्रचार अच्छा है, प्रचार अच्छा है, किसी को नहीं पता है,
तुम्हारा क्या मालूम दिखता है? नहीं वो तो हम नहीं कह सकते थे, ये मुश्किल है बताना। बहुत मुश्किल है। और हीरो क्या लगता है? मुझे तो नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम इसको? इनको भी नहीं मालूम, तुमको भी मालूम नहीं, तुमको भी नहीं मालूम, उधर भी नहीं मालूम। अपना बोलता नहीं, उसको बोलता है। बोलो दिनेश बोलेगा? दिनेश का एक बोल, सबने बोल। अच्छा दिनेश भाई तो, हाँ हाँ हाँ, दिनेश भाई तो आया था, दिनेश भाई तो आया था। और दिनेश भाई कैसे हो, क्या मन छो? मजा। तो दिनेश भाई क्या हो रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? चुनाव में ये साल तो दोनों पार्टी की तरफ से थोड़ा फाइट है, जबरदस्त फाइट है। क्या जबरदस्त फाइट है? और पिछली बार चुनाव से ज्यादा फाइट दिख रहा है इस बार? इस बार बहुत फाइट दिख रहा है, और थोड़ा बीजेपी को तकलीफ भी पड़ेगा ये साल, ऐसा दिखता है। दिनेश भाई इधर मछुआरा कम्युनिटी का नेता भी होता है, तो बोल रहा है थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा इस बार बीजेपी को, लग रहा है इधर ऐसा लग रहा है। लग रहा है जो लग रहा है तो फिर भाई लगने में तो कोई कमी बता ही नहीं सकता। ओए ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है। हे जी काठियावाड़ मां कोक दी जिरे, हे जी भूलो ने पर भगवान, ए तन स्वर्ग भुलाऊ रे शामला जिरे। आप्पा जी पोरबंदर का मेन चौराहा घंटा घर चौराहा, लेकिन घंटा बंद है। प्यार कहो पे झगड़ा, क्या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ की झगड़ा। अप्पा जी क्या बात है, आज भैया जी के सामने आ गए, क्या बात है सर, यहाँ भी मुलाकात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम। राम राम कहने में कोई दिक्कत नहीं, अब तो समय है जो बाहर भी लोग जनेऊ पहन रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। मैं कहाँ से जनेऊ लाऊंगा, मैं तो गाय ला सकता हूँ। नहीं जो लाए हैं वो तो ला के दिखा रहे हैं। नहीं अगर जनेऊ की बात है तो मैं तो गाय ला सकता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी प्रचार में बहुत आगे हो। क्या प्रचार कर दिया आपने कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत गई सब नगर निगम के चुनाव, सच्चाई तो दिखाते कम से कम। भैया जी नाराज ना हुआ करो, अगर सवाल कहो वापस लेना हो तो आजकल तो सवाल भी वापस लिए जा रहे हैं, मैं सवाल भी वापस ले लेता हूँ। आईना झूठ नहीं बोलता। आईना तो सच, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या आईना करता? आईना झूठ नहीं बोलता, अगर आईना झूठ नहीं बोलता तो कैमरा भी झूठ नहीं बोलता। सच सच बोलता है भाई, बिल्कुल सच बोलता है, सच बोलता है, भैया जी के सामने तो बिल्कुल सच बोलता है। यकीन मानिए क्या होने वाला है गुजरात में, गुजरात की जनता नाराज है, और तब नाराज है जब केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कम से कम मूंगफली वाला किसान सोच रहा है कि उसको क्या मिला, कपास का किसान कपास पैदा करने वाला सोच रहा क्या मिला। और ये तो वही बात हो गई, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि मूंगफली वाला किसान खुशहाल है, यहाँ पर कहते हैं गुजरात में कि आलू वाला किसान खुशहाल है। सच्चाई तो ये है कि आलू पैदा करने वाला किसान भी दुखी है और मूंगफली पैदा करने वाला भी किसान दुखी है। क्या बात है भाजी, यानी आलू वाला उधर उत्तर प्रदेश में, मूंगफली वाला यहाँ गुजरात में, सारा आसान कर दिया। लेकिन भाजी बताइए, आप 60 किलोमीटर जाएंगे, आप एक घंटे में पहुंच जाएंगे, विकास हुआ या नहीं हुआ बताइए। एक घंटे में कितने किलोमीटर बताया आपने? मैंने कहा 60 किलोमीटर जाएंगे और एक घंटे से भी कम में पहुंच जाएंगे। और अगर 30 मिनट में पहुंच जाएंगे उसको विकास मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। तो बस समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। पाजी समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, लेकिन आप ये बताइए, इतना आगे हैं फिर भी आप ये बताइए, आप बैलेट पेपर पे मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम वाली, इतना आगे हैं, इतना एडवांस है। अखिलेश के बारे में तो सब लोग कहते हैं कि यंग फेस, चार्मिंग फेस, मुस्कुराता फेस। देखिए जात और धर्म पे हम हार गए, विकास में हम जीत रहे हैं, और आज भी हम कह रहे हैं
कि जब कभी बहस विकास की होगी तो समाजवादी लोग जीतेंगे। जात और धर्म ने हरा दिया, तभी देखिए आप बीजेपी वालों को उल्टा पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो जात की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, अब गुजरात में आके विकास की बात कर रहे हैं। आपको याद नहीं कब्रिस्तान और शमशान कहाँ बात हुई थी? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर विकास की बात करें, हम विकास की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब ये लोग कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे। मुझे मालूम है आपको बहुत जल्दी जाना, मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आप तो बताइए, उन्होंने बता दिया मंदिर की तारीख भी बता रहे हैं वो लोग, कह रहे मंदिर की तारीख बना रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश जी मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे, एक ईंट लेके वो भी आगे दिखाई पड़ेंगे? ये सवाल मुझसे न पूछते, मैं देश का संविधान मानने वाले में से हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा इस देश के सब नागरिक मानेंगे। अगर देश में कोई एक दल है जो संविधान नहीं मानता, कानून नहीं मानता, झूठ का प्रचार करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उनका झूठ ज़्यादा सच लगने लगता है, इतनी बार बोल देते हैं क्या? ये मार्केटिंग का गुण। और आज क्योंकि चैनल के सामने बोल रहा हूँ, कम से कम आप तो मुझे बताओ टीवी पे ज्यादा कैसे आया जाता है? बाजी, ये तो हमें भी नहीं सीखना है। भैया जी सही गुड़ जाए, लेकिन भैया जी की एक बात है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, हर सवाल को मुस्कुरा के और वेरी विटी। बाजी कोई जवाब नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और रह गया, देखिए भ्रष्टाचार पैसे का ही नहीं होता, केवल टीवी पे ज्यादा आना भी भ्रष्टाचार होता है। ये भी बात सही है, पर बाजी मेरी तो नौकरी है, मुझे नहीं कह रही है, ये जिनको कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो आज भैया जी से, और भैया जी कहीं में दूसरी बार मुलाकात है अखिलेश जी, मजा आया। थैंक यू सो मच। पाजी, अगर बड़े बुजुर्गों से बात नहीं की तो भैया जी कहीं में क्या बात हुई। जी हाँ, तो मौजूद हैं और बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ पर, और भरूच में बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। भाई तो क्या लगता है गुरुजी, क्या होने वाला है? शर्मा जी, अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जी जी, इलेक्शन में यहाँ भरूच में, एक गुजरात में, तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भाजपा ही आएगा, क्योंकि भाजपा का काम देख रहे हैं हम कि थोड़ा तकलीफ़ तो हुई, थोड़ी तकलीफ़ हुई, कोई नया काम करने में तकलीफ़ तो होता है, लेकिन आगे धीरे धीरे वो ठीक होता जा रहा है और विकास जो है वो दिख रहा है। वो विकास कह रहे, विकास पागल हो गया क्या? विकास पागल हो गया? लोग नहीं, पागल तो नहीं, मतलब बोलवा वाला पागल हो गया है। अच्छा, बोलवा वाला पागल हो गया। अच्छा, मोदी जैसा मानस फिर भी गुजरात ना के इंडियन नहीं मिलेगा सर। मराठी में बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप कोई भाषा बोलिए, हम सब समझ सकते हैं। क्या लगता है? नहीं, चाललेला कार भरा अत्यंत उत्तम आहे, मोदींचं कामकाज चांगला आहे, परराष्ट्रीय इज्जत वाढलेली आहे भारताची, उत्तम कार्य कर रहे हैं लग रहा है आपको? मोदी जी जैसा हिंदुस्तान में तो पहली बार तो प्रधानमंत्री आया है, इसके पहले तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सिवा बाकी कुछ किया नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो गुजरात में 20-22 साल पहले और अब भी कोई बहुत ज्यादा बहुत फर्क है? गुजराती, हाँ, कोई बात नहीं, आप बोलिए। जी मेरे तो हिसाब से देश की सलामती चाहिए ना, तो मोदी सिवाय कोई नहीं चलेगा। साहब ऐसा है, मोदी जी ने खुद कहा है कि अपने, जब हम अपने घर में रिनोवेशन कराते हैं ना, रिनोवेशन, तभी 2-4 दिन को हमको तकलीफ पड़ती है, बहुत तकलीफ पड़ती है, मगर रिनोवेशन हो जाने के बाद सब अच्छा हो जाता है घर। इसी तरह ये जो इंडिया का रिनोवेशन अभी चल रहा है, मोदी जी साहब ने कहा है कि अभी तो मैं खाड़ा जो 70 साल से हुआ है ना वो भर रहा हूँ, बाद में डामर रोड होगा। गड्ढे भर रहे हैं, बाद में डामर रोड होगा। क्यों बाबूजी, ऐसे ही है? भाजपा आएगी, भाजपा वही आएगी, आएगी भाजपा, नहीं आशा तो सब भाई तकलीफ तो पड़े, मेहनत तो करनी पड़े ने, मेहनत बना तो चो ही नहीं, પણ મૂળ ભાજપની આશા 100% આવશે।
क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? किसी की मन की बात हम नहीं समझते पाजी, मन की बात हम कैसे समझते, लेकिन इस्तेमाल मन ही की बात की। तो मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया प्रगति करेगा, प्रगति करेगा सब। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे सारे लोग रोज शाम को बैठते हैं इसी तरह से? हाँ, चर्चा क्या करते हैं आप लोग? बस चर्चा तो भजन आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, लेकिन अब तो देश का भी और प्रदेश में आपका वो तो है, वो तो मोदी के सिवा और कोई नहीं चला सकता भाई। मोदी मोदी ही इधर गुजरात में, तो मोदी ही मोदी चलता है, मोदी ही मोदी चलता है पाजी। सूरज ढम लेगा धीरे 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 धीरे। हाजी हाजी, ओनली फॉर कमल ही खिलेगा, कोई खिलेगा नहीं, वो पंजाब बन जा गया काम से। पाजी चलो भाई, सूरज ढल गया। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पाजी पहुंच गए ना, यही जगह है दांडी, जहां गांधी ने 1930 में पाजी 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था पाजी। आज यहाँ आ गए, क्या ऐतिहासिक जगह है पाजी। पर अब तो पाजी गांधी गिरी हो गई है बात, तो पाजी यहाँ पे आए हैं लोग, आते हैं, गांधी जी की याद रहती है ना आपको बराबर, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कैसे जीवन, गांधी जी का विचार, गांधी जी की विचारधारा, अभी कुछ थोड़ा बहुत याद है? याद है, गांधी जी ने यहाँ पे नमक का सत्याग्रह किया था। हाँ, 5 अप्रैल 1930 में। हाँ। यहाँ पे आए थे 5 अप्रैल 1933 में, 30 में, 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को उसने नमक का यहाँ पे कानून तोड़ा था। तो गांधी जी का जगह देखा तो पूछना बेकार है कि कैसा लगा, मैं तो ये पूछता हूँ कि कुछ अंदर हुआ क्या? हुआ ना, यहाँ पे जगह है तो उसने कुछ अंदर छुआ क्या? कुछ हुआ, छुआ उसके जो अहिंसा का वो मेन रोल था उनका, उसका हुआ। क्या जब ये आप हंसते थे ना तो समझ लो, बस समझ में आ जाता कि हुआ। पाजी जब ये हंसते हैं ना तो कुछ बोले या ना बोले, समझ लो कुछ हुआ। यहाँ से आने भर से पाजी कुछ होता है, और पाजी ये जो कनेक्शन है ना, आये अद्भुत है, ये अद्भुत है। चाहे आप कहीं झांसी में हो या झांसी के गांव में हो, ये चाहे नवसारी में हो, हिंदुस्तान नजर आता है। लेकिन अब वो तो बात अभी की कर ले, क्या चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो अभी मोदी आएगा। मोदी आएगा? इतना सीरियस क्यों होने की जरूरत है? मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। भाजपा आएगी, भाजपा, भाजपा, भाजपा। इन्होंने कहा तो आपने भी कह दिया। भाजपा मेरे को अच्छा लगता है, उसका काम कार्य, उसका सब कुछ। नहीं नहीं, अब आप ले जाओ इसको। अब हम नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? नैना बेन। मैंने कहा ये ले जाओ नैना बेन, मैं अब दूसरी तरफ चल देऊंगा। बाजी क्या बात है, दिखाया ना गांधी का। पाजी यही कनेक्शन है जो तुमको हमसे, हमको तुमसे, पूरे देश को जोड़ता। पाजी क्या आदमी था, गांधीगिरी की बात है पाजी। पाजी रघुपति राघव राजा राम, पाजी यही तो कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पाजी स्पंदन है जगह में, स्पंदन है आज भी, धड़कता है, धड़कता है। पाजी महसूस करो, करो महसूस, धड़कता है। जी चाय की चुस्की, ये सब गुजरात में हो सकता है पाजी। चाय की कप प्लेट में चाय की चुस्की लेने का अंदाज ही कुछ और है। जनाब क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम फ्रूट वाला। तो चाय यूं ही सारे लोग बैठ के हर 10-15 आधे घंटे में पीते रहते हैं आप लोग? जी, थोड़ी आदत है। चाय अच्छी लगती है? चाय अच्छी लगती है। चाय वाले नहीं अच्छे लगते? चाय वाले तो बहुत अच्छे। पाजी मैंने कहा चाय अच्छी लगती है या चाय वाला भी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। ये चाहिए गुजरात में पीने का ढंग है, कैसे जैसा जरा दिखाए कैसे पीते हैं। चुस्की, ये क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे गुजरात में अच्छी शांति है और महिलाओं की बहुत सुरक्षा है। महिलाओं की सुरक्षा है, महिला बहुत खुश है यहाँ पे। लेकिन पहले तो मुख्यमंत्री महिला थी, अब महिला हर नहीं नहीं मुख्यमंत्री, जब महिला थी तो जब बहुत अच्छी बात थी, या फिर से महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए बाजी। लेकिन चाचा बात अधूरी रह गई हमारी, पूरी कर देते, पूरी कर दीजिए। बताइए क्या होता है इस बार, क्या होगा? ऐसे सिक्का उछालिए, बताइए हेड या टेल, क्या होना है इस बार? होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। पाजी होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा, ना मैं ना तू, खुदा जो चाहेगा। क्या चाह रहा है इस बार, क्या लग रहा है? जो इंसान है उसकी बिसात कहाँ पड़ी हुई है? वो तो जैसे अमल आदमी का, जैसे अपना जैसा नेचुरल, हर बार जैसा होगा या इस बार कुछ अलग होगा? नहीं इस बार अलग होगा, इस बार अलग होगा, अलग होगा भाजी, इस बार कुछ अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। पाजी बस शाम धीरे धीरे भेलपुरी खाने के बाद भी बस अब ढलने वाली है, क्या लगता है इस बार क्या होना है यहाँ पे? दोनों में मुश्किल ही है, दोनों में काम तो ऐसा तो कोई नहीं करता है, काम तो कोई करता नहीं, पर जो इसको देना है वो काम करे, उसको वोटिंग देना है। काम कौन करता है? वो तो सब कुछ लबड़ा लबड़ा के करते हैं, क्या ये चुप नहीं है, वो तो सब अपने लिए आते हैं, कोई हमारे लिए कोई थोड़ी आता है। भाई भाषण करे उन्हें बराबर की उसे तो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, सही किया है। अभी थोड़ी थोड़ी गुजराती आ गई है मुझे भी, बाकी अंदाजे से चुटनी का ऐसा होता तो बहिष्कार ही करना किसी को। नहीं नहीं वोट देना, वोट तो देना, वोट देना बस। मिस्टर लाला ठाकुर, लाला ठाकुर आप खास लगते हैं देखने में, ड्रेस के शौकीन आदमी हैं आप? जी जी जी, ब्लू वाइट, जूते भी वाइट, वाइट वाइट सॉक्स येलो, यस यस, गले में ये, या तो ये इसका खास कुछ वजह? सेटिस्फेक्शन बस, आत्मसंतोष, आत्मसंतोष खुद का, खुद का इसको पहनने से हो जाता है जरूर। अजी आपको कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, और आप इनके साथ चलते हैं, बिल्कुल सादे रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, आपका आत्मसंतोष किसी और चीज़ से होता है? और चीज से ये बस खाने का शौक है। आपको खाने का शौक है? अरे अरे पास आ जाना थोड़ा सा, बिल्कुल पास। हाँ आप बोलिए। हमारे पिताजियों ने कई मतलब नसीब किए होंगे, कई काम अच्छे किए होंगे कि मोदी जी जैसे वड़ाप्रधान मिले हमको। क्या बात है पाजी, ऐसे समर्थक भी हैं, हल्के में ना लेना भाई। थैंक यू सर, आपका सीरियल में बार बार देखता हूँ, थैंक यू। क्या चेहरे पे खुशी आ गई नाम सुन के? हाँ। मुझे तो आपको देखिए, एक बार आप जरा मुझसे गले मिलिए, मुझे आपको देख। अरे पाजी क्या बात है, पाजी